हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पुष्पा। पुष्पा की पाकशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बिल्कुल हलवाई जैसी महीना भर चलने वाली बालूशाही की रेसिपी लेके आई हूँ। इस तरीके से बनाएंगे तो रसीली भी बनेगी और ये महीना भर चलेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलो इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने बाउल में ले लिया है 2 कप मैदा। आप कोई भी कप कटोरी अपने अनुसार सेट कर ले। और अब मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूंगी और आधा छोटा चम्मच मैं इसके अंदर मीठा सोडा डालूँ, जिसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। 2 से 3 चुटकी नमक डाल दिया और 2 से 3 चुटकी येलो मिठाई वाला कलर डाला। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन हमारी बालूशाही में अच्छा कलर आए इसलिए मैंने कलर डाला है। अब सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने 1/4 कप इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। सेम कप से मैंने नाप किया है, तो आप रिफाइंड ऑयल जो यूज करते हैं सब्जियों में डालें। सरसों का आपको बिल्कुल नहीं डालना, ना ही कोकोनट वाला डालना है। और रिफाइंड ऑयल मैंने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लिया। आप इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छे से मुट्ठी बांध के देख लिया, मुट्ठी बंध रही थी, परफेक्ट मोयन है। और मैंने सिंपल पानी ले लिया, इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ा थोड़ा करके। 1/2 कप मैंने पानी लिया है और आपको एक साथ सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना। और आटे को ज़्यादा गूंदना नहीं है, बस हमें हाथों से इसको मिक्स करना है हल्के हाथों से। देखो मैं गूंद नहीं रही हूँ, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते वैसे आपको बिल्कुल भी नहीं गूंदना है, इससे हमारी बालूशाही है वो सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो आटे को मैंने इस तरह से इकट्ठा कर लिया है। और अब मैं एक कॉटन का कपड़ा लूँगी और उसको मैंने गीला करके अच्छे से निचोड़ लिया और ऊपर ढक्कन लगा के हम इसको साइड में रख देंगे। अब आप कोई भी बर्तन ले लें अपने अनुसार। 2 कप मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है और इसके अंदर मैं 1.5 कप पानी डालूंगी। अब हम चाशनी बना लेंगे। तो चीनी को घुलने तक पहले पका लेते हैं। और मैंने आपको पहले बताया था मीठा सोडा है वो आपको ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो आप बालूशाही जैसे ही फ्राई करेंगे बिखरने लगेगी। तो मैंने छोटा चम्मच डाला है, जो बड़ा वाला चम्मच होता है खाने वाला अगर उससे डाल रहे तो आपको 1/4 चम्मच डालना है। चीनी घुल गई है, मैंने फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल दिया इसके अंदर। 2-3 उबाल आ गए, देखिए हम चेक कर रहे हैं, तार नहीं बनना चाहिए चाशनी में। हाथ में इस तरह से हम लेके चेक करेंगे, तार नहीं बन रहा है और गाढ़ी चिपचिपी चाशनी होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है। गैस बंद कर देंगे और ढक्कन लगा के हम साइड में रख देंगे, क्योंकि चाशनी हमारी ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए। अब मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा ली है, तो आप अपने अनुसार इसके अंदर रिफाइंड डाल लें। मैं रिफाइंड का यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बालूशाही है और ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो मैंने तेल को गरम चढ़ा दिया है, मीडियम आंच पे आपको तेल गरम करना है। और तेल है वो मीडियम गरम होना चाहिए, तेज आंच पे नहीं करना है। इधर हम जो आटा लगा के रखे थे बालूशाही के लिए वो भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। इसको हमें गूंदना नहीं है, मैंने पहले भी बताया है, बस हल्के हाथों से हम इसकी बालूशाही बनाएंगे। तो पहले हम लोई तोड़ लेंगे कि आपको कितनी बड़ी बालूशाही बनानी है। इस तरह से मैं सारे आटे की लोई है वो तोड़ के तैयार कर लूँगी। तो मैंने सारी लोइयों को तोड़ लिया है और अब हथेली के बीच में लूंगी बिल्कुल हल्के हाथों से। आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं इसको दबा के लोई बना रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, हल्के हाथ से बस आपको लोई बना लेनी है। इस तरह से बीच में खड्डा कर लेना है। देखिए मैं एक और बना के दिखा रही हूँ, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इस तरह से लोई को गोल गोल करना है, फिर इसके अंदर खड्डा बना लेना है। इसी तरह से मैं सारी लोई बना के रेडी कर लूंगी। तो बालूशाही पूरी बन के रेडी हो गई है। अब हम तेल चेक कर लेते हैं गैस की आँच मीडियम है। जैसे ही मैंने इसके अंदर थोड़ा सा आटा डाला तो हल्के बॉल आने लग गए थे, तो परफेक्ट तेल गर्म है। तेल मीडियम गर्म होना चाहिए, गैस की आंच है वो मीडियम होनी चाहिए, नहीं तो बालूशाही डालते ही क्या होगा, कलर तो चेंज हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। देखिए इस तरह से बॉल्स आ रहे हैं। तो 1 मिनट के बाद मैं इस तरह से कढ़ाई को थोड़ा हिला रही हूँ ताकि तले में चिपके ना, और थोड़ी देर में ही फूल के खुद से ऊपर आने लगे। चम्मच से बस हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा आपको जगह से हिला देना है ताकि तले में चिपके ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। देखो ऊपर तैरने लग गई है 2 से 3 मिनट के बाद। गैस की आँच मीडियम ही रखी मैंने। अब सारी हम पलट देंगे, जब ये तैर के ऊपर आ जाए तो आपको इस तरह से चम्मच से पलट देनी है सारी बालूशाही को। और अब 2 मिनट हम पलटने के बाद इसको मीडियम आँच पे फ्राई होने देंगे। जब ये अच्छे से फूल जाए और हल्का सा कलर चेंज हो जाए, गैस की आँच हम तेज़ कर देंगे ताकि ये और ज़्यादा फूले ना, फिर ज़्यादा फूलेगी तो बिखरने लगेगी। और तेज आंच पे हम 2 से 3 मिनट इसको पलटते हुए इसको फ्राई करेंगे और हल्का कलर चेंज हो जाए, इसकी परत है वो टाइट हो जाए, तो गैस की आंच वापस आपको मीडियम कर देनी है। तो 2-3 मिनट के बाद मैंने इसकी गैस की आंच थी वो वापस मीडियम कर दिए। देखिए कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया इसका, और हम हर 1-1.5 मिनट के बाद इसको पलटते रहेंगे ताकि अच्छे से इसका सुनहरा कलर आ जाए। तो
तो देखिए परफेक्ट कलर आ गया है। अब गैस की आंच आपको बिल्कुल धीरे कर देनी है और बालूशाही को निकाल लेना है। लास्ट में आपको गैस की आंच धीरे कर देनी है। अब हम गरम गरम बालूशाही चाशनी में डालेंगे। तो चाशनी ना तो हमारी ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी है। ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा गर्म होनी चाहिए। तो सारी बालूशाही मैंने निकाल के इसके अंदर डाल दी है। एक बार चाशनी के अंदर इस तरह से मिक्स करेंगे, वापस ढक्कन लगा देंगे और दूसरा बैच भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। गैस की आंच मैंने धीरे कर दी थी और दूसरा बैच तैयार हुआ है। तब तक देखिए मैं बालूशाही आपको वापस दिखा रही हूँ। परफेक्ट चाशनी इसने पी ली है। आप इसका कलर देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं दूसरी बालूशाही भी इसके अंदर डाल दूंगी। और जो पहले वाली बालूशाही है उसने अच्छे से चाशनी पी ली है। अगर नहीं पिए तो आप अंदर रख सकते हैं, नहीं तो आप निकाल दें। मैं आपको देखे तोड़ के दिखा रही हूँ, पूरी अंदर तक रस से भरी हुई है। तो अब हम इसके अंदर नहीं रखेंगे, चाशनी इसने अच्छे से पी ली है। तो सारी बालूशाही है वो मैं निकाल दूंगी पहले वाली, और जो बाद में डाली थी उसको मैं लगभग आधा पौन घंटे के करीब वापस रहने दूंगी ताकि वो अच्छे से चाशनी पी ले। तो मैंने निकाल के इसको रख दिया और सारी बालूशाही को मैंने निकाल दिया, अच्छे से चाशनी पी ली। आप चेक करने के बाद निकाल दी तो मैं तुरंत ही आपको दिखा रही हूँ। तो अभी बहुत गीली लग रही है, ऐसे चाशनी सूखी नहीं है इसके ऊपर। अगर आप थोड़ी देर रखेंगे तो चाशनी है थोड़ी सी सूख जाएगी। और आप देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी रसीली और रस भरी बनी है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल भी अंदर से रस से भरी हुई नहीं, सारी बालूशाही अंदर से रस से भरी हुई बनी है। ऊपर से मैं थोड़ी पिस्ता से डेकोरेट कर रही हूँ। तो आपको याद दिला दो, अगर थोड़ा बहुत भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और तो एक बार इस वीडियो को देख के आप जरूर बनाएं। परफेक्ट तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल हलवाइयों जैसी बालूशाही बन के रेडी होगी। मैंने थोड़े केसर के धागों से भी इसको डेकोरेट कर दिया है। तो इनको फ्राई करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि तेल मीडियम गर्म होना चाहिए, गैस की आँच वो मीडियम होनी चाहिए। तेज आँच पर आप बालूशाही को फ्राई करेंगे तो अच्छे से ये फ्राई नहीं होगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी और फिर अच्छे से चाशनी भी नहीं पिएगी, क्योंकि अच्छी सी फ्राई नहीं होगी तो चाशनी अंदर तक जाएगी नहीं। और बीच में आपको गैस की आंच थोड़ी तेज़ करनी है, वापस फिर धीरे कर देने। इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखें। और मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। देखो ऐसे तोड़ रहे तो लग रहा है जैसे गुलाब जामुन है, पूरी अंदर तक रस से भरी हुई गुलाब जामुन की तरह ये बालूशाही बन के रेडी हुई है। इस तरह से आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें, घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और कई दिनों तक ख़राब भी नहीं होगी। कुछ लोग इसमें दही डालते हैं, तो मैंने दही नहीं डाला है। अगर हम दही डालते हैं तो जल्दी ये ख़राब हो जाती, स्मेल आने लगती। मैं देखो दो तीन तोड़ के